नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेधक टीवी में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। और आगे दी गई घंटी के चित्र पर भी जरूर क्लिक करें, इससे जब भी हम नए वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाएगा। इंडियन माइथोलॉजी, हाईटेक स्पेस, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वॉर स्टोरी, ऐसे बहुत सारे विषयों पर आपको यहाँ बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ।2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के प्रोफेसर ग्रैम पियर्सन, जो हीरे के अंदर के महत्वपूर्ण मटेरियल की खोज कर रही वैज्ञानिकों की इंटरनेशनल टीम के प्रमुख थे, उन्हें उस हीरे के अंदर रिंगवुडाइट नाम का एक मिनरल मिला जो काफी चौंका देने वाला था। और इसके मिलने की उन्हें आशा भी नहीं थी, क्योंकि रिंगवुडाइट उससे पहले सिर्फ उल्काओं में ही मिला था। ये ऐसा पहला मौका था जब पृथ्वी के अंदर से ये मिनरल निकला हो। शोध से यह पता चला कि किम्बरलाइट नाम का एक वोल्केनिक पत्थर उस हीरे को पृथ्वी की सतह पर ले आया था। पर आगे के शोध से इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात सामने आई, वो थी कि इस मिनरल के अंदर भारी मात्रा में पानी मिला, और वो पानी 250 से 300 मील या उससे भी नीचे पृथ्वी के अंदर बना था। पृथ्वी के इतने अंदर पानी होने के इस सबूत ने पूरी दुनिया को काफी चौंका दिया। ग्रैम पियर्सन के अनुसार इस पत्थर से यह साबित होता है कि पृथ्वी के बहुत अंदर कुछ वेट पॉइंट्स है, और वे एक तरह के ट्रांजिशन जोन हैं जो किसी बड़े समुद्र के हैं, जिसका पानी शायद हमारे सातों समुद्रों से भी ज्यादा है। अगर सचमुच पृथ्वी के अंदर कोई महाकाय समुद्र है तो आज की प्रचलित सीज़मिक वेव थ्योरी ऑफ अर्थ इंटीरियर बुरी तरह से फेल हो जाएगी, और हमें सालों पहले बनी हॉलो अर्थ थ्योरी को फिर से एक बार नए सिरे से देखना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेथक टीवी में। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या हमारे अलावा किसी और ग्रह पर जीवन है? इंसान की आज तक समझ में ना आए ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए इंसान अपने ग्रह से बाहर निकलकर ब्रह्मांड की यात्राएं कर रहा है। इंसान की जिज्ञासा यही समाप्त नहीं होती, और आज हम अपनी आकाशगंगा मिल्की वे से बाहर निकलकर शोध करने की चाह रखते हैं। पर जो इंसान अंतरिक्ष की तलाश में बड़े बड़े मिशन चला रहा है, उसे अपने खुद के ग्रह पृथ्वी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। हम पृथ्वी में सिर्फ 8 मील अंदर तक जा चुके हैं, जो पृथ्वी के आउटर कोर से 1400 मील दूर है, और इसी कारण पृथ्वी की संरचना के बारे में हमारा ज्ञान अभी भी ना के बराबर है, और जितना भी हम जानते हैं वो पूरा अजम्पशन पर ही आधारित है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी प्याज की तरह अंदर से अलग अलग परतों से बनी हुई है, और पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट भूमि की ठोस परत है। इसके बाद अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर है। इनर कोर जो पृथ्वी के सबसे कठिन पदार्थों से बनी हुई है ऐसा माना जाता है, और इन चारों के भी बहुत से अलग अलग लेयर्स हैं। पृथ्वी के अंदर क्या है, ये निष्कर्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के अभ्यासों के आधार से निकाले जाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में पृथ्वी के अंदर से बाहर आए हुए पदार्थों का अभ्यास किया जाता है, पर जिन पदार्थों का हम अभ्यास करते हैं वो पृथ्वी के बहुत ही ऊपरी परतों में से होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में सीज़मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगों का अध्ययन होता है, और इसे ही सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या हो सकता है, इसके लिए एक और थ्योरी काफी समय से सामने आई हुई है, और वो भी पूरी तरह अजम्पशन पर ही आधारित है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर आज तक कोई भी जा नहीं सका। इस थ्योरी को हम हॉलो अर्थ थ्योरी कहते हैं। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार हो ना हो पृथ्वी अंदर से खोखली है, और शायद वहाँ अन्य जीव होने की संभावनाएं भी हैं, जिसे 18वीं शताब्दी में द हॉलो अर्थ थ्योरी नाम से जाना गया। इस थ्योरी के प्रमुख सपोर्टर इंग्लैंड के एडमंड हेले थे। हेले बहुत महान खगोल वैज्ञानिक और न्यूटन के समकालीन थे। कॉमेट्स की कक्षा का सही अंदाज लगाने के लिए वे विश्व में विख्यात थे। उनका नाम एक धूमकेतु को देकर उन्हें सम्मानित किया गया है, जिसे आज हम हेले का धूमकेतु कहते हैं। उस काल में ही हेले ने पृथ्वी की परतों का सिद्धांत बता दिया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये परतें एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूमती है, और इनके चुंबकीय क्षेत्र भी भिन्न होते हैं। काफी सालों बाद आज विज्ञान ने इसे स्वीकार कर लिया है। उनका ये भी कहना था, हर दो परतों में एक खालीपन है, और वह वातावरण के मौजूद होने के कारण हर एक परत में जीवन पनप सकता है। हेले ने और बताया कि हमारी पृथ्वी एक एटम की तरह है, और हर एक परत इलेक्ट्रॉन की कक्षा की तरह है। हेले के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के अनुसार
अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव से ही बनाया जा सकता है। स्विस गणितज्ञ और भौतिकी के वैज्ञानिक लेयरहार्ट ऑयलर भी इसी में यकीन रखते हैं। ऑयलर दुनिया के आज तक के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। अपनी जीवनी में उनके 1000 से भी ज्यादा रिसर्च पब्लिश हुए हैं। उनके अनुसार भी पृथ्वी हॉलो है और उनकी माने तो सेंटर में 6000 मील रेडियस का एक सूरज भी है जो पृथ्वी के अंदर के जीवन को प्रकाश देता है। उनके अनुसार भी पृथ्वी के अंदर उत्तरी या दक्षिण ध्रुव से ही पहुंचा जा सकता है। एक और अलग शोध में रूसी वैज्ञानिक फेडरल नीवोलिन ने एक तरह से एडमंड हेले और ऑयलर की पुष्टि दी है। उनके शोध के अनुसार शुरुआत में पृथ्वी एक गर्म गैसों का समूह थी। गुरुत्वाकर्षण के चलते इनमें कठिन कोर का निर्माण हुआ और उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गैसों का एक गोला बन गया और बाद में इसने ठंडा होना शुरू किया। ऊपरी परत के ठंडा होने के कारण वो सॉलिड हो गई और उसने बाकी गैसों को अपने अंदर बंद कर लिया, पर अंदर से पृथ्वी गर्म गैसों का भंडार थी और बेहद दबाव के चलते ये सारी गैसें उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव से बाहर निकली। पर हजारों साल के बेहद जलते हुए गैसों के कारण वो बेहद कठिन अंदरी कोर को गर्म और प्रकाशित कर गई और अंदर के वातावरण के लिए कोर ठीक उसी तरह काम करती है जैसे कि हमारे लिए सूर्य काम करता है। हेले के नजरिए से देखें तो नेवोलिन का सूर्य जैसे उनके द्वारा कहे गए एटम का केंद्र था और ऑयलर के सिद्धांत भी इसी की पुष्टि करता है। ये तो हुई वैज्ञानिक बातें, पर असल जिंदगी में भी अमेरिका के एडमिरल रिचर्ड बर्न, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहली बार दक्षिण ध्रुव के ऊपर से विमान उड़ाया था, उनकी जीवनी में भी दक्षिण ध्रुव के उस नीचे की दुनिया में जाने के रास्ते का जिक्र है। वुलपिट शहर में मिले दोहरे रंग के बच्चे भी नीचे की दुनिया से आने का दावा करते थे। और एक इंटरेस्टिंग बात, हिटलर के नाजियों के बनाए हुए मैप्स जो बहुत ही सीक्रेट और मिस्टीरियस अंडरग्राउंड जगहों की बातें करते हैं, और एक नाजी यू बोट के क्रू मेंबर का खत जिसमें उसने साफ साफ लिखा है कि हम पृथ्वी के अंदर तक पहुंच गए हैं और अब हम वापस नहीं आना चाहते। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए बताएं और साथ ही बताएं आप क्या सोचते हैं।